आज़म खान के बड़े बेटे अदीब आज़म अपनी फूफी के साथ आज जेल में अपनी माँ से मुलाकात के लिए आए। जेल प्रशासन ने ब्लड वेरिफिकेशन की वजह से उनकी फूफी को जेल में जाने से रोक दिया, जबकि अदीब आज़म अपनी माँ से मुलाकात करके वापस आए और उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की। क्या मुलाकात हुई? ऐसी जनरल बात करिए, नॉर्मली ऐसे भाई जैसे बात करते हैं जनरल, ये खैरियत दी, खैरियत पूछी, सामान देना था वो दिया, कुछ और क्या बात करते हैं, यही बात हुई है। तबीयत कैसी उनकी? अच्छा, मैंने कहा ना आपसे अच्छी है। आप अकेले मिल का हैं? मैं अकेला मिला, दो लोग तो आपको पता ही, नाम कट गए हैं, पहले बताया मैंने। अच्छा, नाम कट गए। कौन कौन सा आपके साथ जाने वाला जिसमें नाम कटे? मेरे साथ मेरी सगी पप्पू थी, वाले साहब के आज़म खान साहब की सगी बहन, उनके भांजे थे, फरान भाई थे, उनका भी नाम काट दिया। पैरोकार हैं अलू जी, बात कर रहे थे। क्यों काटा, क्या लग रहा है, क्या ये तो मैं नहीं कह सकता इस बार में क्यों काटा, किस वजह से काटा, किस लिए काटा, लेकिन काटा। अच्छा दीप भाई, स्कूल जो था वो खाली हो गया कल, ताला मार दिया का पार्टी ऑफिस में, क्या कहना चाहेंगे भाई? तो मैं क्या बोलूँ, कर लिया खाली, कर लिया, क्या कह सकता हूँ, क्योंकि 700 बच्चे कुछ उसमें हैं, कहाँ जाएंगे वो? इसने कुछ मत बुलवाई मुझसे तो अभी। अच्छा, बाकी बब्बा से जाएंगे मुलाकात करने? में सोच रहा हूँ एक दो दिन में चला जाऊंगा अब्दुल्ला आजम, नेक्स्ट डे उससे, अगले दिन उससे जाऊँगा, उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे ठीक है वो, अच्छे हैं। अदीब आज़म ने कल खाली हुए स्कूल के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ग्लोबल टुडे के लिए रामपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।